दिल्ली की सड़कों पर किस तरह के हालात हो जाते हैं बारिश के मौसम में, हम हमेशा देखते ही हैं और हमेशा कोसते हैं तमाम एजेंसियों को, सिविक एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब जल जमाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सक्रिय हो चुकी है और मोर्चा संभाला है खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। राजधानी में 27 नए हॉटस्पॉट्स की पहचान हुई है और यहां बारिश का पानी न जमा हो पाए इसके लिए नई तकनीक के साथ साथ व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है आईटीओ के पास डब्ल्यूएचओ के सामने, यहां 5 लाख लीटर की क्षमता वाला वाटर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। 2 लाख लीटर पानी जैसे ही जमा होगा अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्टिव हो जाएगी और पानी सीधे पहुंचेगा यमुना में। बारिश के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सक्रिय हो गई है और मोर्चा संभाला है खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। राजधानी में 27 नए हॉटस्पॉट की पहचान की गई है और वहां बारिश का पानी नहीं जमा हो इसके लिए नई तकनीक के साथ व्यवस्था की जा रही है। इनमें से एक है आईटीओ के पास डब्ल्यूएचओ के सामने, यहां 5 लाख लीटर की क्षमता वाला वाटर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। 2 लाख लीटर पानी जमा होते ही अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्टिव हो जाएगी और पानी सीधे यमुना नदी में गिरेगा। जहां बार बार बारिश हो रही थी और बार बार पानी भरता जा रहा था, तो तभी हमने तय किया था कि उस वक्त जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकते थे वो किए, लेकिन तभी तय कर लिया था कि अगले साल बारिश में यहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए एक बूंद भी। इस बार 27 जगहों में भी जल जमाव की समस्या खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सभी जगह पर काम तेजी से चल रहा है और 5 से 7 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि 2-3 दिन से राहत भरा मौसम रहा है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ इलाके भारत के ऐसे भी हैं जो त्राहिमाम कर रहे हैं बारिश की वजह से। असम में बाढ़ से लगातार 3रे दिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने वहां की जिंदगी को पटरी से उतार कर रख दिया है। असम में बाढ़ से लगातार 3रे दिन हालत भयावह रहे। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जिंदगी पटरी से उतार दी है। 3 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 जिलों के 11 लोग प्रभावित हुए हैं। 150 रिलीफ कैंपों में करीब 68,000 लोगों ने शरण ली है। लगातार बारिश से सिलचर गुवाहाटी हाईवे बंद है। भूस्खलन से अगरतला, मणिपुर, मिजोरम तथा बराक घाटी में आवाजाही बंद है। असम में बोंगाई गांव में एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया है। उधर नलबाड़ी में भारतीय सेना राहत के इंतजाम में जुटी है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में 9 गांव हैं, जहां भारी दिक्कत हो रही है। कामरूप में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि 24,000 लोग बेघर हो गए। हाजो इलाके में हजारों घर डूब गए। बोरोलिया नदी में भयंकर बाढ़ के चलते किनारे का एक बड़ा हिस्सा कट गया। बारपेटा में भी सारी नदियां उफन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो असम में बाढ़ से लगातार 3रे दिन हालात भयावह रहे हैं। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जिस तरीके से परेशान किया है वो हमने तस्वीरें आपको दिखाई ही। अगली खबर का रुख करेंगे। हुगली के एक ऑटोमोबाइल कारखाने में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से वहां अफरा तफरी मची आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के हुगली के सुगंधा मोड़ इलाके में ऑटोमोबाइल के कारखाने में कल शाम को ये आग लगी थी। देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका धुएं की चादर से ढक गया। चारों तरफ आग की लपटें निकलने लगी। आग की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये कम से कम एक राहत भरी खबर रही है। जानकारी ये मिली है, शुरुआती तौर पर जो पता चला है वो ये कि जो ये आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लाखों की संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ है। और ये खबर भी थोड़ी बुरी है, काबुल के गुरुद्वारे से खबर है। ये आपको बता दें कि वहां पर आतंकी हमला हुआ है। आईसिस और तालिबान के बीच गोलीबारी भी हुई है जिसमें गार्ड की मौत हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की हम बात करें, गुरुद्वारा कारते परवान पर शनिवार को सुबह सुबह आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादियों ने यहां कई ब्लास्ट किए। इस हमले में गुरुद्वारे के मुस्लिम सुरक्षा गार्ड की मौत हुई है। 3 लोगों को बाहर निकाला गया था, इसमें से 2 को घायल अवस्था में अस्पताल तुरंत भर्ती कराया गया। काबुल में कारते परवान गुरुद्वारा कमेटी के नामवर तलविंदर सिंह चावला ने घटनास्थल के बाहर से आज तक को ताजा हालात बताए हैं। मिस्टर चावला ने बताया कि अभी भी आतंकी गुरुद्वारा के अंदर हैं और 3-4 घंटे से हमारे 4 से 5 लोगों को
शायद बंधक बनाया हुआ है क्योंकि ये तमाम लोग अभी भी मिसिंग हैं। अंदर से 2 से 3 लोग निकाले जा चुके हैं। इन सभी को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हमले पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम पवित्र गुरुद्वारे पर हमले की खबर से बहुत चिंतित हैं। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और घटना के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। उधर टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इन आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 14 जून को कुलगांव के मिशीपुरा में शुरू हुआ था और मुठभेड़ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवादियों को घेर लिया था। टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। इन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 14 जून को कुलगांव के मिशीपुरा में शुरू किया गया और मुठभेड़ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को घेर लिया। कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें कुलगाम के मोहनपुरा का जुबैर सोफी शामिल है जिसने रजनीवाला की हत्या की थी। दूसरे आतंकी की शनाख्त की जा रही है। 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर रजनीवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रजनीवाला सांबा की रहने वाली थी जिनकी हत्या कुलगाम के गोपालपोरा में की गई थी और महज 16 दिन बाद सुरक्षा बलों ने टीचर रजनीवाला के हत्यारे को मार गिराया। घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और इसका नतीजा ये है कि 2022 की शुरुआती 5 महीनों और 17 दिन के अंदर पुलिस और सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। अब एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको भी लगेगा कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है, क्योंकि यहां पर एक महिला रहम की भीख मांग रही है। बेरहमी से महिलाएं किस तरीके से उसको पीट रही हैं और पीटते पीटते उसके कपड़े फाड़ दिए हैं। जरा देखिए, असम के शिवसागर की यह खबर है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वहां से सामने आया है। 4 महिलाओं ने अवैध संबंधों के शक में महिला की जमकर पिटाई करना शुरू की। महिला को रस्सी से बांध डाला, थप्पड़ मारे, बुरी तरह से घसीटा, बाल खींचे, कपड़े तक फाड़ डाले। पीड़ित महिला रो रो कर रहम की भीख मांगती रही, लेकिन तीनों बेरहम महिलाओं का दिल नहीं पसीजा। घटना है आमगुड़ी हलवातिंग थाना क्षेत्र के बाउली पुखरी अंचल गांव की। पीड़ित महिला पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार शाम को चारों महिलाओं ने पीड़िता को पकड़ा और फिर उसे रस्सी से बांध दिया, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसके बाल खींचते हुए थप्पड़ मारे। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने बचाने की कोशिश नहीं की, हालांकि किसी ने वीडियो जरूर बना डाला और इसे सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया। बताया भी ये जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिस को महिला से हो रही इस पिटाई की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस रात 10 बजे घटनास्थल पर पहुंची। महिलाएं तब भी पीड़िता को पीट ही रही थी। पुलिस ने पीड़िता को छुड़वा लिया, लेकिन आरोपी महिलाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीड़िता और उसके पति को ही हिरासत में ले लिया और थाने लेकर चली गई।